कार्य हमें करना है उसके निमित्त पुरुषार्थ तो हमको करना ही पड़ेगा, क्योंकि पुरुषार्थहीन व्यक्ति कहीं पर भी सफल नहीं होते हैं। पुरुषार्थ तो हर एक को करना, आप भी जानते हो इस बात को, खाली मनोरथ रखने से किसी के भी कार्य पूरे नहीं होते हैं। हर किसी को पुरुषार्थ करना पड़ता है, लेकिन एक फर्क हो जाता है कि जो भी पुरुषार्थ हमारे द्वारा हो रहा है वो पुरुषार्थ हमारा ईश्वर अर्पण हो, कार्य हमारा ईश्वर अर्पण हो और सिद्धि और सिद्धि में हमारी संभावना हो। कोई भी कार्य हम करते हैं तो उस कार्य के सफल होने में और नहीं होने में हमारे अंदर एक संभाव होना चाहिए कि अगर ईश्वर का हुक्म है तो हो जाएगा, मेरी इसमें भलाई छिपी हुई है तो हो जाएगा, और अगर ईश्वर ने मेरे लिए कुछ और बेहतर समझा हुआ है तो ईश्वर अपने आप उसको कर देगा। कई बार ऐसा देखने में आता है कि हम लोग सोचते हैं हम अपनी भलाई को ज्यादा बेहतर जानते हैं, लेकिन आपकी भलाई आपसे ज्यादा आपका परमात्मा जानता है, और जो उसकी तरफ से होता है वो ज्यादा अच्छा होता है। आज समझो किसी को 10,000 रुपए की नौकरी मिलने की उम्मीद थी कि मेरे को यही नौकरी लग जाए, 10,000 रुपए महीना आने लगेगा, खुश हो जाता है सोच के, लेकिन समझो नहीं मिलती है, निराश हो जाता है। लेकिन थोड़े समय बाद पता चलता है कि 20,000 की नौकरी मिल गई, तब समझ आता है ईश्वर ने मेरे लिए कुछ ज्यादा बेहतर सोचा हुआ था और मैं अपने आप को थोड़े में संतुष्ट कर रहा था। मुझे लग रहा था 10 वाली मिल जाए मेरा काम हो जाएगा, पर भगवान मेरे को कुछ बेहतर देना चाहता है, 20 की देना चाहता है। कभी कभी कहीं कोई डीलिंग करते हैं, ऐसे लगता है ये घर हमें पसंद आ गया, यही बात बन जाए हमारी, किसी कारणवश नहीं बन पाती है, पर पता चलता है जो बाद में लिया, नहीं नहीं ये तो उससे भी बहुत बेहतर है। अक्सर ऐसा लाइफ में आप एक्सपीरियंस करते हो कि जो बाद में मिलता है वो ज्यादा बेहतर होता है। तो इसका मतलब गॉड हैज ए प्लान फॉर यू, ईश्वर ने तुम्हारे लिए कुछ प्लान किया होगा, कुछ सोचा होगा है, और तुम ईश्वर की रजा में अपने को राजी बनाओ। ये मत कहो मैं ऐसा चाहता हूं तो ऐसा हो जाए, बोलो भगवान जो तेरी मर्जी वो मेरी भी मर्जी है, मेरी निमित्त जो पुरुषार्थ है वो मैं कर देता हूं, लेकिन उसके बाद मैं परमात्मा पर छोड़ देता हूं कि जो तुझ भावे साई भलीकार तेरा भाना मीठा लागे, भगवान जो तेरी मर्जी है मैं उसको स्वीकार करता हूं। ये सबके लाइफ का एक्सपीरियंस है कि परमात्मा हमारे लिए ज्यादा अच्छा सोचता है, लेकिन हम लोग अपने अंदर उलझते रहते हैं, मैं तो ये चाहता हूं मैं तो ये चाहता हूं। आप मत चाहो, आप ये सोच लो आपसे जो बन पाया आपने कर दिया। अब देखो भगवान का हुक्म क्या है, भगवान की मर्जी क्या है, भगवान ने और अच्छा क्या सोचा हुआ है। वेट एंड सी, धैर्य रखो, दृष्टा बन के देखो, जानने की कोशिश करो तो कैसे परमात्मा हमारे लिए हमसे ज्यादा अच्छा और पहले से ही सोच के बैठा हुआ है। हलचल मत करो,
कभी-कभी अपनी इच्छा के अधीन होके हम लोग अपना ज्यादा नुकसान कर बैठते हैं, क्योंकि समझ होती नहीं, विचार होता नहीं, हम अपना ज्यादा नुकसान कर लेते हैं। लेकिन जब छोड़ देते हैं परमात्मा पर, तो निश्चिंत रहते हैं कि जो प्यारे की मर्जी है वही तो मेरी भी मर्जी है। देखो, संसार में दुख का कारण ही यही है, हर इंसान फल की इच्छा रख के बैठा हो और दुख का कोई कारण नहीं। अगर आप अच्छा खाना बनाते हो, आपको फिर फल की इच्छा हो जाती है कि सब लोग मेरी तारीफ करें। कर्म तो किया, अब कर्म तो आपको करना ही है। घर में आप रहते हो, आप सेवा करोगे, कार्य करोगे, करना ही है। लेकिन बीच में जब फल की इच्छा आ जाती है तो बहुत शिकायत आ जाती है, बहुत परेशानी आ जाती है, बार बार मन उलझता है, कोई मुझे समझता नहीं, कभी मेरे को तो कोई प्रशंसा के दो शब्द नहीं बोलता, कोई मेरे लिए अच्छा नहीं कहता, इस बात से ही तो उलझते। जहां भी आप देख लो, कोई भी काम आप करते हो, आपको आपके फल की इच्छा शांत कर देती है। कर्म परमात्मा ने ऐसी चीज बनाई है, एक तो कर दी है हमें हाथ, और कर्म की प्रकृति बनाई कि हम कर्म करें। खाली बैठने में आनंद नहीं है, कर्म करने में आनंद है, और कर्म करने में अपने आप में जो आनंद छिपा हुआ है, आप कुछ भी करते हो, मगन होके करो, मस्त होके करो, एकाग्रचित होके करो, आनंद महसूस होता है। लेकिन जब आप कर्म फल की इच्छा रख लेते हो, अब आपको अशांति शुरू हो जाती है, अब आपको दुख लगना शुरू हो जाता है, अब आप परेशान हो जाते हो। लेकिन कर्म ने तो आनंद दिया, कर्म फल की इच्छा ने परेशान कर दिया। मैंने अच्छा किया, अब सब लोग मेरे को अच्छा बोले, बहुत बड़ा रोग है ये। पूरा समय जो आपका मन दूसरों से इच्छा रखता है, अच्छा कहलाने की इच्छा, वाहवाही की इच्छा, प्रशंसा की इच्छा, आप इस इच्छा से दुख पाते हो, ये इच्छा आपको परेशान करती है। कर्म किसी की विक्षेपता का कारण नहीं, कर्म में सबको आनंद मिलता है। चाहे आप छोटा सा छोटा काम कर लो, झाड़ू लगा लो, पोछा लगा लो, भिलनी माता को क्या झाड़ू लगाने में आनंद नहीं आया? बहुत आनंद आया, क्योंकि उसको भी उसने भक्ति बना ली, वो अपने राम के लिए कर रही है, आनंद आ गया। बेर चुनने जाती है, उसमें भी आनंद आ गया। तो कर्म कोई छोटा नहीं होता, छोटा कर्म भी आनंद दे सकता है। आप देखते हो आपके घरों में मेड्स आते हैं, कोई कोई काम वाली गुनगुनाती रहती है, काम करती रहती है, उसमें भी मजा ले जाती है। और आपको एक दिन करना पड़ जाए, मेड नहीं आए, आपको पहले तो क्रोध सवार हो जाता है, फिर आप जब काम करते हो तो उठका पट्टी ज्यादा करते हो। जबकि एक विचार बदल लो, आज अपने हाथ से मौका मिला, बहुत अच्छे से सफाई करते हैं, अच्छे से हो जाएगा घर में काम, अब फर्क आ जाएगा। लेकिन अच्छा विचार ना होने के कारण आपका कर्म आपकी विक्षेपता बन जाता है। राजा जनक, उन्होंने भी आत्म ज्ञान सुना और ये ज्ञान सुन के राज्य किया, लेकिन उन्होंने अपना एक अनुभव लिखा कि मैं राजाई में रहता हूं, लेकिन राजाई मुझे विक्षेपता में नहीं लाती। अदरवाइज राज्य में रह के बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते होंगे, बहुत सारी चीजों को सॉल्व करना पड़ता होगा, बहुत सारे डिसीजंस लेने पड़ते होंगे, बहुत कुछ होगा उनके पास। लेकिन वो कहते हैं कि मैं
इससे विक्षेपता में नहीं आता। क्यों नहीं आते हैं? क्योंकि वो अपना राज्य समझते ही नहीं है। जिस दिन गुरु ने परीक्षा ली और खबर आई जनक तेरी नगरी को आग लगी, तो राजा जनक नहीं उठे, बाकी लोग उठ के दौड़े जिनके घर इर्द-गिर्द थे। ना गुरु उठे ना राजा जनक उठे, सत्संग चलता रहा। जब सब लोग लौट के आए, क्यों आग तो लगी नहीं थी? तो गुरु ने उनसे सवाल किया, जनक तुम क्यों नहीं उठे? कहने लगे, जिस दिन आप मुझे मिले थे मैंने तो नगरी आपको सौंप दी, अब जिसकी जले वो पछताए। आपकी नगरी जल रही, आप उठे नहीं, मुझे क्या करना था उठे? कैसे बचे हैं विक्षेपता से? अपना ना मान के अहंता, ममता और कर्ता, ये तीन है महारोग। अहंता माना मैं हूं, ममता माना मेरा है और मैं करता हूं। ये तीन चीजें जीव को ऐसे पकड़े रहती हैं जैसे पुलिस वाले चोर को घेरे रहते हैं। हर समय आपकी वृत्ति इन तीन में ही तो घूमती रहती है, मैं, मेरे वाले, फिर करता भाव, इन तीनों में ही फंसे रहते हो सारा समय। अंदर अहंता उठती है, मैं हूं, होना पाना, बड़ी विक्षेपता का कारण तो यही है। फिर जो मेरे बना लिए ये सही चलने चाहिए, मेरे अकॉर्डिंग चलने चाहिए, मैं इनको प्यार करता हूं ये भी मुझे प्यार करे, मैं इनका ध्यान रखता हूं ये भी मेरा ध्यान रखे, ये मेरे लिए सोचें, ये मुझे अच्छा कहें, और एक रोग करता भाव कायम कर मैं करता हूं। अब गुरु के पास आप आते हो, गुरु समता भाव से आपके तीन ही रोग मिटाता है। समता भाव, आत्मा का भाव, भगवत भाव, इससे तीन ही रोग मिटाता है। जो आप कहते हो मैं, आप शरीर की मैं कहते, गुरु आपको बताता है ये शरीर तो अपने आप में मुर्दा है, इसकी कोई हस्ती नहीं, लेकिन जो इसको धारण करने वाला परमात्मा है वो सच है। इस शरीर को धारण किसने किया? जब वो चेतन अपनी सत्ता समेटता है, शरीर को तो आप मुर्दा जान के चलाते, फिर ये कौन है जो इसको चेतन रख के बैठा है? उसको जानो। आपकी मैं के पीछे किसकी मैं है? आपकी मैं को किसकी सत्ता है? उसको जानो। अब जब आप उसको जानते हो तो आपको पता चलता है मेरेपन का भाव शरीर करके है, अदरवाइज मैं ही तो हूं। वो जो आत्म सत्ता है, वो चींटी से लेके हाथी तक सब में समान है। जो परमात्मा की शक्ति है, चेतन, वो सब में एक ही है। नाम रूप अलग अलग है, शरीर अलग अलग है, लेकिन धारण करने वाला परमात्मा एक ही है। अर्जुन रो रहा है, मेरे वाले मर जाएंगे। भगवान कृष्ण शांत हैं, क्योंकि अर्जुन कहता है मेरे, और भगवान कहते हैं मैं ही तो हूं। शरीरों के नाश होने पर भी मेरा ना होता नाश है, ये हो गया समता का भाव। देव बुद्धि से देखोगे, कुछ मेरे, कुछ मेरे नहीं, कुछ अपने, कुछ पराए हैं, कुछ अच्छे, कुछ बुरे हैं। लेकिन जब व्यापक सत्ता को देखते हैं तो पता चलता है सब सब ना जिया का एक कोई धाता। अरे इन सब जीवों को धारण करने वाला परमात्मा एक ही है।
अब जब हम उस दृष्टि से देखते हैं तो फिर मंदा किसनो आपन है ही करता, जब करता स्वयं है हर रूप में, मैं अच्छा किसको बोलूं, बुरा किसको बोलूं, गंदा भाव किसके लिए रखूं, निंदा चुगली किसकी करूं, और ये तो इन रूपों में परमात्मा स्वयं है, वही धारण करके बैठा है सबको। अब मेरे पन की भावना चली गई, अब हमारा आत्म भाव हो गया सबके लिए, तत्व ज्ञानी तत्व से सबका आदर करता है, शरीर से नहीं बात करता है, शरीर से नहीं देखता है, लेकिन वो सबको तत्व दृष्टि से जानता है। आए भगवान है भगवान, दूसरा नहीं है। अब चाहे फूल की खुशबू ले लो, चाहे फूल का इत्र की खुशबू ले लो, लेकिन फूल के बिना क्या इत्र बन सकता था? ऐसे आप देखो, परमात्मा के सिवाय क्या इन शरीरों की कोई हस्ती है? हस्ती नहीं। मेरे पन का भाव मिटाता है गुरु समता भाव से, फिर आ जाता है कर्तापन का रोग। अब गुरु कहता है देखो, एक गुण विभाग है, कर्म विभाग है, सबको जान, ये शरीर है कुरुक्षेत्र, कर्म करने के लिए मिला, कुरुक्षेत्र की धरती थी जहां महाभारत का युद्ध कर्म हुआ वहां पर, ये शरीर है कुरुक्षेत्र, ये मिला कर्म करने के लिए। अब इसमें इंद्रियों के अपने अपने धर्म, हर इंद्रिय का अपना धर्म, आंख का धर्म देखना, ये केवल देख सकती है, हाथ का धर्म सेवा करना, हाथ का काम पैर नहीं करते, पैरों का काम है चलना, वो नासिका नहीं कर सकती। इसको गीता में भगवान ने गुण विभाग कर्म विभाग करके समझाया, हर इंद्रिय का अपना अपना धर्म है, अपना अपना विषय है, और हर इंद्रिय अपने अपने विषय में बरत रही है। अगर आप कुछ करने वाले हो तो आप जरा एक इंद्रिय का काम दूसरे से लेके दिखा दो, नहीं ले सकते। और परमात्मा की व्यवस्था है बड़ी मजेदार, ये सारी इंद्रियां आपस में बड़ी अच्छी कनेक्टेड और बड़ा अच्छा काम करती। अभी समझो हम आपसे एक गिलास पानी मांगते, भाई एक गिलास पानी ले आओ, आप पानी गिलास ले आए, आपको लगा हमने पानी पी लिया, लेकिन जैसे ही गिलास हाथ में आया मुंह तक जाने लगा, आंखों ने इंस्पेक्शन कर ली, कुछ है तो नहीं, होता है तो गिलास यहां से वापस, अरे कुछ है इसमें, आंखों ने चेक कर लिया, नासिका ने सुन लिया, अरे बदबू लग रही है पानी, देखा आपने, तीन चार इंद्रियों ने अपना काम कर भी लिया, आपको पता भी नहीं चला आप गिलास पानी का पी गए। ये अपने अपने धर्म में बड़ी परफेक्ट है। अभी आप बैठे हो, समझो एक चीज उठा के हम ऐसे मारे, अनोइंगली अनइंटेंशनली आपके हाथ उठ जाएंगे रक्षा के लिए, आप बोलोगे नहीं हाथों उठो रक्षा करो चीज आ रही है, उठ जाएगा हाथ एकदम से, और वो उठ के अपना काम कर दे, करता है नहीं करता है। अभी बाहर आवाज हो जाए, समझो धमाका हो जाए, टायर फट जाए, कुछ हो जाए, हम नहीं कहते कानों जरा सुनो बाहर क्या हुआ, कान यहीं बैठे बैठे सुन भी लेते, मन सोच भी लेता है ये हुआ है, बुद्धि चलने भी लगती है। इसका मतलब जैसे दफ्तर में सारे डिपार्टमेंट होते हैं, आप जाओ आप फाइल दिखाओ, कहेंगे जी ये डिपार्टमेंट वहां पर, वो डिपार्टमेंट में पहुंच जाओ कहेंगे जी ये चीज वो फलाना क्लर्क देखता है, सारा फिट है मामला, शरीर का देखो मामला फिट है सारा, हर इंद्रिय का अपना अपना विषय, और ये अपने अपने विषय में बरत रहे हैं।
फिर परमात्मा ने क्या किया, तीन गुण बना दिए, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, तीन गुण बना दिए। पूरी सृष्टि में ये तीन गुण व्यापक हैं, हमारे शरीर में भी व्यापक है, गुण गुणों में वर्तते हैं, जैसा जरूरत होती है। और आपको सोने के लिए तमोगुण की जरूरत है, रात होते होते सारी सृष्टि में ही तमोगुण सा फैल जाता है, कुदरत है। कहते हो टाइम ज्यादा ही हो गया, अब नींद आती जा रही है, यहां भी तमोगुण बाहर भी तमोगुण सारे सोने की तैयारी में आते। सुबह उठते ही शरीर रजोगुणी हो जाता है, सत्संग पहुंचना है, जल्दी जाना है, जल्दी काम करना है। बाहर भी देखो रोशनी हो गई है, सब काम हो रहे हैं, शुरू हो गए पक्षी चलने शुरू हो गए, रजोगुण फैल गया। गुण गुणों में बरत रहे हैं, इंद्रियां अपने अपने धर्म में बरत रही हैं। अब आप बताओ आप क्या कर रहे हैं, आपने क्या किया? बोला बाहर आवाज हुई, दो ने सुनी पर वो गए नहीं, जो दो चल के गए उन्होंने देखा नहीं, जिन्होंने देखा उन्होंने उठाया नहीं, जिन्होंने उठाया उन्होंने खाया नहीं, जिन्होंने खाया उसने अपने पास रखा नहीं। क्या हुआ? बाहर पेड़ से आम गिरा, आवाज गिरा, दो ने सुनी आवाज कानों ने, पर ये गए नहीं। जो दो चल के गए पैर, इन्होंने देखा नहीं, ये बस चल के चले गए। देखा किसने? आंखों ने देखा, जिन्होंने देखा उन्होंने उठाया नहीं, उठा नहीं सकते, आंखों ने उठाया, जिन्होंने उठाया इन बेचारों ने खाया ही नहीं, मुंह को दिया, जिसने खाया उसने अपने पास रखा नहीं, पेट को दिया, पेट ने शक्ति फिर सारी इंद्रियों को दे दी, खाने के बाद पचता है, सारी शक्तियों को उसका बेनिफिट मिलता है सारी इंद्रियों। तो अब आप बताओ आप क्या करते, आप किस कर्म के करता? जीव कुछ करने वाला है ही नहीं, ना हम करता, मैं किसी कर्म का करता नहीं हूं, शरीर द्वारा होता है, इंद्रियों द्वारा होता है, मैं करने वाला नहीं। अब जिनको सारा दिन ये रोग है, मैं करता हूं, बहुत दुखी रहते, करते भी हैं दुखी भी रहते। भाई प्रारब्ध है शरीर की, अगर इसी को सेवा करनी है, इसी को कमाना है, यही करेगा। मैं सुबह से उठता हूं ये करता हूं, मैं सारा दिन होता हुआ देखो, करता हुआ मत महसूस करो, ये आपके ख्याल में। एक व्यक्ति होता हुआ देखता है, मैं इस शरीर द्वारा भी होता हुआ देखता हूं, और एक व्यक्ति करता जानता है अपने को, करता जानता है तो कुछ ही हो जाता है। वैसे भी लोग पूछते हैं, आप लोग थकते ही नहीं? कहते हैं कुछ करते ही नहीं, थकेंगे तो तब जब करेंगे। ये करता है, शरीर करता है, मैं इसको भी जानने वाला, लेकिन आप क्या करते हो? अपने में कर्ता भाव मानने लगते, मैं करता हूं। अब जब मैं करता हूं तो मुझे फल की इच्छा भी हो जाती है, मैं करता हूं तो मुझे रिजल्ट चाहिए, मैं करता हूं तो मैं जो एक्सपेक्ट कर रहा हूं वही होना चाहिए। लेकिन जब मैं कर्म का करता नहीं हूं, मैं ईश्वर अर्पण कार्य करता हूं, जब मैं कर्म का करता नहीं हूं, मैं फल की इच्छा भी नहीं रखता, मैं ईश्वर अर्पण छोड़ देता हूं। देखो बचपन से आप लोग मंदिर जाते हैं, आपको सिखाया जाता है पत्रम पुष्पम फलम तोयम, कि मंदिर में चार चीजें लेके जाओ, या कोई भी पूजा आप लोग कराते
उसमें भी आपको पंडित जी ये चार चीज लाने को जरूर कहते हैं, पत्ते ले आना, पत्रम पुष्पम फूल ले आना, फल ले आना और जल का लोटा भर के रख लेना। मंगाई जाती है चार चीजें। ईश्वर के पास जब हम जाते हैं तो हमें इन चार चीजों की जरूरत पड़ती है, लेकिन हम लोग सोचते आए शायद हमें बाहर की चीजों की जरूरत है, लेकिन गुरु कहते हैं नहीं, पत्रम जीवन रूपी पत्ता, ये जीवन ईश्वर अर्पण कर दो, ये है पत्ता चढ़ाने। पेड़ का पत्ता चढ़ाने से तो कुछ होता नहीं, लेकिन अपना जीवन परमात्मा अर्पण करके जियो, ये पत्ता सही है चढ़ाने। बहुत जन्म बिछड़े थे माधव, ये जन्म तुम्हारे लेके, बहुत जन्म से बिछड़े थे पता नहीं था, लेकिन अब पता चला तो ये जीवन हम ईश्वर अर्पण कर देते, ईश्वर के निमित्त जीते, ईश्वर के निमित्त सेवा करते हैं, अपने हर कर्म में हम परमात्मा को बीच में डाल देते हैं, तू ही तू, मैं नहीं करते, अब हम कहते हैं तू ही तू, परमात्मा तू है और तेरा है, मैं नहीं है। ये जीवन भगवान के लेखे लगा, ये जीवन परमात्मा अर्पण जीना शुरू कर दे, तो ये पत्ता समर्पित हो गया भगवान। वैसे भी देखो इसकी मिसाल सूखे पत्ते से देते हैं, पत्ता टूटा डाल से ले गई पवन उड़ाए, अब के बिछड़े कब मिलेंगे, दूर पड़ेंगे जाए, फिर कब नर्तन मिलेगा पता नहीं। संतों ने बहुत तरह से एग्जांपल दिया जीवन का, एक सूखे पत्ते से ब्रह्मज्ञानी के जीवन का भी मिसाल देते, हले हवाजे जोर ते सुकल पेपर जिए पन, रह कर्म प्रारब्ध संज्ञानी क्रिया कर, रहे हुए प्रारब्ध के कर्म अनुसार ज्ञानी का शरीर क्रिया करता है, पर हले हवाजे जोर ते कैसे चलता है, हवा के जोर पे सुकल पेपर जिए पन जैसे पीपल के सूखा हुआ पत्ता, ऐसे ज्ञानी का मिसाल दिया। तो इसको पत्ते से उपमा बहुत दी हमारे शास्त्रों ने, तो जैसे एक पत्ता पूजा में जरूरत पड़ता है, ईश्वर के मार्ग पर चलते हुए हम ये जीवन रूपी पत्ता भगवान को अर्पण कर देते हैं, हम हर कार्य परमात्मा के निमित्त करते हैं, हर कार्य में उसको डाल देते हैं, अपने आप हमारा अहंकार चला जाता है, अपने आप हमारे विकार चले जाते हैं, अपने आप हमारे बोझ हट जाते हैं, क्योंकि जब हम मैं और मेरे अर्पण करके काम करते हैं तभी तो बोझिल होते हैं, वरना क्यों बोझिल होंगे। जब ईश्वर की सृष्टि में कुछ परिवर्तन होता है, कुछ भी कार्य होता है, क्या हम लोग बोझिल होते हैं। आप टेंशन लेके सोते हो सुबह उठूंगी सूर्य उदय करना, अरे शाम को घर पहुंचना है, हमारे शहर में सूर्य अस्त नहीं होगा, मैं पहुंचूंगी तो अस्त करूंगी उसको, कैसा होता है नहीं, ये बोझ आपके ऊपर नहीं है, लेकिन कुछ बोझ आप अपने ऊपर मानते हो। जैसे एक मुर्गा नाराज हो गया गांव वालों से, उनको कहता है कल तुम्हारे यहां सूरज नहीं उगेगा तुम्हारे गांव, गांव वाले सब देखने लगे भाई मुर्गा इतनी बड़ी धमकी दे रहा, सूर्य नहीं उदय होगा, बोला मैं बांग ही नहीं दूंगा। वो ये सोचता है मैं बांग देता हूं तो सूर्य उदय होगा, आप ये सोचते हो मैं करता हूं तो काम होता है। अब तेरे जैसे तो लाखों आए, लाखों इस माटी ने खाए, रहा ना नाम निशान रे बंदे झुकी तेरी शान, सोच रहे हो घर धमका भी देते हो घर में कभी कभी, मर जाऊंगी तुम्हें पता चलेगा, मर के देखो जीते जी मर के देखो, आओ चार दिन आप निकल आते हो मायके चले जाते हो गुरु के पास चलते,
घर नहीं चलता क्या? काम नहीं होते क्या? किसके बिना सृष्टि रुकती है? बड़े बड़े अवतार आए, वो चले गए तो भी सृष्टि नहीं रुकी। इंदिरा गांधी जैसी चली गई, सृष्टि नहीं रुकी। नहीं रुकता कुछ। हमारा मिथ्या अभिमान हमको बोझिल बनाता है और कुछ भी नहीं। अर्पण कर दो परमात्मा के, कर लो करा लो प्रभु जो तेरी मर्जी। कहनी ऐसे ही चलता है कि जो ईश्वर को कराना है वो करा लेगा, जैसा ईश्वर को चलाना है चला लेगा। मैं नहीं कहा करना, आराम से बैठा, जहां ले जाए भगवान, जहां उठाए, जहां बिठाए, जहां खिलाए, उसकी मौज। तो अगर ये पत्ता चढ़ा दोगे, बस आप अंदर से खाली हो जाओगे। घर वही रहेगा, कार्य वही रहेंगे, सेवा वही रहेगी, लेकिन ईश्वर अर्पण कर देने से बोझ खत्म हो जाए। क्यों? ये भी प्यारे की मर्जी। एक संत की झोपड़ी में आग लग गई, बड़ी कोशिश करके कुछ सामान बचाया, पानी वानी डाल रहा था, मेहनत कर रहा था, आग बुझे ही ना। जो सामान निकाला था वापिस डाल दिया। लोगों ने बोला ये क्या किया? मेरी मर्जी है आग बुझे, प्यारे की मर्जी है आग लगे। मैंने बाकी सामान भी डाल दिया, लगा ले भाई। अब जीवन अगर ईश्वर अर्पण कर दो, किसी परिस्थिति से भी शिकायत नहीं रहती। ऐसे लगता है तो प्यारे की मर्जी, आनंद है, प्यारे की मर्जी है। मुझे ही काम करना पड़ता है, प्यारे की मर्जी। आप गलत दोष दे रहे हो घर वालों, प्यारे की मर्जी। चुपचाप चलते चलो, तेरी मर्जी मेरी मर्जी। शुक्र है चला तो रहा है, कंगाल पाने से जंजाल पड़ा। अच्छा वे खाली बैठा शरीर दर्दों का समान ही बनेगा ना। चलो बढ़िया है, नौकरी करते हो, काम करते हो, एक्टिव बने हो। चलाने के लिए एक्टिवा चाहिए, बॉडी एक्टिव भी चाहिए किसी को। बॉडी भी एक्टिव है शुक्र, पता नहीं कितनी बीमारियां और घेर लेती है अब तक। चलो बहुत शुक्र है, जब प्यारे की यही मर्जी है मेरी भी यही मर्जी। ए भी सजन तीन जी बाबा, वो भी सजन तीन जी बाबा। गुरुद्वारे पहुंचा, वाहेगुरु 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 माना हे परमात्मा जो करो बाबा। मां तो वाहेगुरु कर रहा है, घर वाहेगुरु कोई नहीं करता। चार मेहमान आ जाए बोलो वाहेगुरु, अभी दाल बनाते हैं, अभी फुलका बनाते हैं, वाहेगुरु। चार सेवा पाक तो आ जाए बोलो वाहेगुरु। मां बोलते बोला है वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। तुम्हारे जीवन में क्या तुम अपने को वाहेगुरु जी का खालसा मानते हो? बच्चे हो वाहेगुरु के, सन ऑफ गॉड हो, फिर फतेह किसकी होनी चाहिए? वाहेगुरु जी। अगर वाहेगुरु जी का खालसा है, खालसा माना उनका प्रेमी उनका भगत, यही होता है ना खालसा, खालिस। जो खालिस है वो खालसा है, जो अपने को भगवान का मानता है खालिस, वो खालसा हुआ भगवान का। उसके जीवन में फतेह किसकी होनी चाहिए? वाहेगुरु जी की। शिकायत होनी चाहिए, रोना होना चाहिए, दुख होना चाहिए, शिकायतें करें परमात्मा से, उलाने दे नहीं ना। तेरे जीवन में वाहेगुरु जी की फतेह हो, कि वाहेगुरु जी जो हालत भेजे बोलो आपकी फतेह का झंडा लगेगा, आपका बच्चा तो इस दशा में राशि रहेगा, शिकायत नहीं करेगा, दुखी नहीं होएगा। ये हुआ पत्ता अर्पण करना। फिर आ गए पुष्प फूल। अब देखते हो आज हमारे घर पूजा है, जिस पड़ोसी का दरवाजा बंद हो और बाहर फूल लगे हो, चोरी कर लाते हो, अगला चारा का लगता रहे मेरे फूल कहां गए, तेरे घर पूजा चल रही है उन फूलों से। हालांकि फल मिलेगा नहीं, किसी को दुखा के तुम फूल ले आए, पर
ट्रेंड यही बना रखा है। तोड़ लिए फूल, वॉक करते हैं, ढूंढते रहते हैं किस किस के घर फूल लगे हैं, जिस दिन जरूरत पड़े, अरे मैंने फलाने नंबर वाले के घर के बाहर देखा है फूल, तोड़ ला, वहां से ले आओ जल्दी से। अब आपने सोचा भगवान खुश हो जाएंगे अगर उसके फूलों से पूजा करोगे, फल तो उसको मिलेगा, तुम्हें कैसे मिलेगा जिसने पानी डाला, खाद डाली, मेहनत की, तुझे तो चोरी का इनाम मिलेगा, सजा मिलेगी चोरी। पर सोचेंगे नहीं, हमने तो फूल लाके पूजा कर दी, भगवान को उन फूलों से क्या प्रयोजन है, कोई प्रयोजन क्या करेंगे? अभी समझो तुम फूल ले भी आए, अच्छा हम क्या करेंगे, फ्री साइड में रख देते हैं, ज्यादा में ज्यादा कहोगे नहीं आप अपनी गाड़ी में रख लो, फिर कल निकाल देंगे गाड़ी में से, शाम को जाके निकाल देंगे, ये फूल तो खाली बाहरी काम करेंगे, लेकिन जो आपके दिल में प्यार की खुशबू है, भक्ति की खुशबू है, ये हृदय रूपी पुष्प अर्पण कर दो तो परमात्मा को खुशी होती। अब असल खुशी किससे होगी, भूखे से तो नहीं होगी, लेकिन आप लोग जो इतने प्यार से मिले, खुशी से मिले, प्यार से सुना, प्यार से बैठे, हम याद क्या करते हुए जाएंगे रास्ते, या अपने शहर जाके हम क्या बताएंगे, उन्होंने हमें एक बुके दिया था उसमें 15 फूल थे, ये याद करेंगे, ये याद करेंगे, सब बहुत प्यार से मिले, सब बहुत अच्छे से मिले, बहुत अच्छे से सत्संग हुआ, सब खुश हुए, याद तो ये प्यार की खुशबू रहने वाली, फूलों की खुशबू भी याद में रहेगी, अब पकड़ाया उस समय खुशबू आई हुई, अब मेरे नाक में खुशबू आ रही है, नहीं, खुशबू पर प्यार की याद रहती है। तो जो हमारे हृदय में ईश्वर के प्रति प्रेम आस्था भाव होते हैं ना, वो हृदय रूपी पुष्प परमात्मा को अर्पण करने से भक्ति सफल होती है, वो जरूरी है। अब बिना भाव के आप कोई कार्य करो उससे क्या हो जाए, पर भाव से जो करते हो, अभी समझो बिना भाव के आप बड़ा बुके ले आओ, मेरी हाइट जितना बढ़ा दे, 100 किलो का हार बनवा के ले आओ, बिना भाव वो हमें हृदय में नहीं पहुंचे, पर आप लोग प्यार से सत्संग आए, सुना, आपका ये प्यार हृदय तक पहुंचेगा, भले बाहर से आप एक फूल भी नहीं लाओ, मैंने भी आपको कि एक फूल भी ना लाना है, ईश्वर तक क्या पहुंचेगा, क्या पहुंचेगा ईश्वर, जो फूल आप चढ़ाओगे उसमें पंडित जी कटे करेंगे, किसी जगह बहाने भेज देंगे, नदी वदी में, झील में, कहेंगे बहा दो, किसी बागीचे में डाल दो, ईश्वर ने क्या स्वीकारा, आपका भाव स्वीकारा, वस्तु नहीं स्वीकारी, परमात्मा हमारी वस्तुएं नहीं स्वीकारता, हमारे भाव स्वीकारता, हमारा प्यार स्वीकारता, वस्तुओं से तो उसका कोई मतलब ही नहीं, वस्तुएं तो सब दी हुई उसी की, अच्छा पत्ते कहां से आए, घर से लिया, फूल आप उगाते हो, आपका पिताजी उगाते, वो तो सब ईश्वर की देन है, हमें प्रकृति परमात्मा ने हमारी प्रसन्नता के लिए सजा दी, उसकी जरूरत नहीं है, पर हृदय रूपी पुष्प ये परमात्मा को अर्पण हो जाए। मीरा ने बाहर के फूल नहीं चढ़ाए, पर हम सब जानते हैं मीरा का दिल दीवाना है भगवान के, इसीलिए भगवान उसके करीब। गोपियों ने बाहर के फूल नहीं चढ़ाए, माला नहीं ले गई, माला तो उनकी मां पहनाती थी, वन माल वो आप ही डाले आते थे, वन में जाते थे, बनावनों के ग्वाले पहना देते थे, गोपियों ने क्या पहना है, उनके हृदय में प्यार है, भगवान आकर्षित होके उनके पास आ जाते हैं। तो पुष्पम हृदय में जो भाव है, वो भाव से भरा हुआ हृदय वही पुष्प है परमात्मा के लिए। तीसरा आया फलम,
फल में भी बड़ी बेईमानी, पहले तो देखते हो सस्ता फल कौन सा, मौसम का सस्ता फल वही आता है। जागरण कराते हैं, फल बड़े सारा मनाना पड़ता है। संतरे का मौसम हो तो जोत के चारों तरफ संतरे नजर आएंगे, केले नजर आएंगे, अनार कितने होते हैं, दो चार होते हैं अनार। सस्ता फल ढूंढते हैं मौसम का, और या फिर जो खराब हो रहा हो मंदिर में चढ़ाया। जो लोग मंदिर जाते हैं उनको पता होगा, घर से निकलने लगते हैं ना बच्चे, माँ कहती ये केला रखा है शिवलिंग पे, क्यों कल रहा है, ये सेब रखा है शिवलिंग, देखा है? फल सस्ता खराब हो रहा है वो वाला, भावना से हम ज्यादा काम नहीं करते। लेकिन ईश्वर कहता है मुझे ये फल नहीं चाहिए, कौन सा फल दे, अपने सब कर्मों का फल ईश्वर अर्पण कर दो। जो कर्म कर रहे हो उसका फल ईश्वर अर्पण कर दो, ईश्वर को वो फल चाहिए। अब लड़ाई चाहे अर्जुन कर रहा है, भगवान के हुक्म से कर रहा है, लेकिन अर्जुन फल को ना जानने वाला बने। यहां तक बोल दिया, अगर गीता पढ़ी हो, भगवान ने यहां तक बोल दिया अर्जुन तू योग और क्षेम को भी ना जानने वाला बन, जो तुझे प्राप्त है उसकी सलामती, जो नहीं प्राप्त है वो प्राप्त करने की इच्छा, दोनों कैंसल किए भगवान ने। ये देखो कुछ तो हम लोगों के पास अप्राप्त है, तो हम इच्छा करते हैं इसकी प्राप्ति की, फिर जो कुछ हमें प्राप्त है हम इच्छा करते हैं उसकी सलामती, इसको बोला योग और क्षेम, कि जो प्राप्त है वो सलामत है। देखो जब सत्संग में भी आते हो हम लोग आपको कहते हैं और नहीं मांगो, तो आप बड़ी चालाकी करते हुए और तो नहीं मांगते, फिर कहते हो अच्छा भगवान और नहीं मांगता पर जो है ना कम से कम ये सलामत है। दो में इच्छा है, अप्राप्त प्राप्त हो जाए, और जो प्राप्त है वो मेरे से जाए नहीं, वो मेरे से छीने नहीं, वो मेरे से छूटे नहीं। पर भगवान अर्जुन को कह रहे हैं मेरी शरण आ गए। अब उनको पता था शरण आता है इंसान भक्ति करता है, फिर वो क्या करता है, फिर वो कहता है भगवान तू मेरे को जो अप्राप्त है दे देना, तभी तो रोज लिस्ट बताए आते हो, और साथ ही साथ हाथ जोड़े आते हो भगवान जो दिए है बस इसकी रक्षा करना, बेटे की रक्षा करना जो दे दिया, बेटी नहीं दी है तो भी दे दो जोड़ा पूरा हो जाए, जितने लाभ दिया है इसको तो टैक्स से भी बचाना, इसको तो नुकसान से भी बचाना, बाकी जितने लाभ मुझे चाहिए वो भी देना। योग और क्षेम, हम जब भक्ति करते थे संसार में तो एक विचार होता था अंदर कि भक्ति करके परमात्मा से कुछ मांग लेना, भक्ति भी हमने एक कर्म बना लिया और उस कर्म की भी फल की इच्छा करते थे कि हमको इसका ये फल चाहिए, और कभी कभी तो फल को ध्यान में रखते हुए कर्म करते थे, भाई लिखा फलाना व्रत करने से ये इच्छा पूरी होगी तो हमने वो व्रत रखा, गीता में महात्म जोड़ दिए फलाने अध्याय का ये महात्म वही अध्याय पढ़ते थे निकाल के, भक्ति भी फल की इच्छा से करते थे कि मैं ये करूंगा तो ये मिलेगा। कुआरी लड़कियां होती हैं माए कहती हैं सोमवार के व्रत रखो, क्यों रखो, शिवजी वर मिले ना पार्वती तो सोचते हम ऐसा व्रत रखें, अब लड़की पार्वती है नहीं दूल्हा शिव जैसा चाहिए, नहीं चाहिए शिव जैसा दूल्हा, आ जाए ऐसी बार आप तुम्हारे घर के आगे
क्या हाल होएगा? ऐसी बारात तुम्हारे घर के आगे आ जाए, उसकी माँ भी बेहोश हो गई थी जब बारात आई थी। ये तो फिर देवताओं ने हाथ जोड़े शिव जी को, किसी ने पीताम्बर दिया, किसी ने धोती दिया, बोला जा मंगल वेश कर लो, मंगल वेश है बड़ा आपका, माँ बेहोश हो गई लड़की, आपको लड़की नहीं देंगे। वो सबसे हमको वास्ता नहीं, हम बस एक बात सुन लेते, वही इच्छा से कर्म करने लगते। ईश्वर को ईश्वर के लिए चाह कर नहीं, ईश्वर से ईश्वर को नहीं, ईश्वर से पदार्थ चाहते। आपको पूछे, आप मंदिर गए, माथा टेका, भक्ति की, व्रत किया, उपवास किया, नियम किया, ईश्वर से ईश्वर को मांगा, ईश्वर से पदार्थ मांगे, आप पदार्थ मांगा। परमात्मा को कोई नहीं चाहता, परमात्मा से हर कोई चाहता। घर में भी यही है, सास ससुर को कोई नहीं चाहता, सास ससुर से जायदाद सारे चाहते हैं, हर बहू जायदाद चाहते हैं, सास ससुर कोई नहीं चाहते। सेवा के लिए हिस्सा ना पड़े, जायदाद में तो हिस्सा ऐसे कैसे, कोर्ट कचहरी ले जाऊंगी, कोई बहुत कोर्ट कचहरी गई हो मेरे को सास की सेवा करने को नहीं मिली तो जान चुके। यही हमारा परमात्मा से हिसाब है, फल चाहिए परमात्मा से, परमात्मा नहीं चाहिए, शांति नहीं चाहिए, आनंद नहीं चाहिए, पर परमात्मा से भी संसार चाहिए, फल की इच्छा। मंदिर गए, फल की इच्छा से कार्य किए, फल की इच्छा से भगवान को जहां जहां याद किया, फल की इच्छा से बेटे की बारात भी निकालेंगे, पहले मंदिर ले चलो जी मत्था टिकाने, इतना प्यार भगवान को ये टपक रहा, कोई विघ्न नहीं होगा, अमंगल नहीं होगा, इसीलिए ना मत्था टिका के ले चलो, वहां भी इच्छा सब सही से हो जाए। घर में शादी ब्याह हो, कीर्तन करा ले, पाठ करा ले, जागरण करा ले, सत्संग रखा ले, इतना प्यार भगवान से कि पहले भगवान प्यार रखे, नहीं नहीं शुभ हो जाएगा, विघ्न नहीं होगा, भगवान के लिए नहीं, पर उसमें भी अपना स्वार्थ। अब यही फल की इच्छा ना रखो तो ईश्वर को फल अर्पण होगा, बाहर का कोई फ्रूट मत चढ़, ये सब कर्मों का फल ईश्वर अर्पण कर दो, जो पूरे दिन में कार्य हो रहा है ईश्वर आप अंदर से फ्री हो जाओ। आपने अपना काम किया, बच्चों को पढ़ाया लिखाया, फैसिलिटी दी, अब ठीक है ना, जो ईश्वर का हुक्म वही बने, मैं तो चाहता हूं ये बने, मैं तो चाहता हूं वो बने, अपना कार्य पूरा करो। देखो सेवा ईमानदारी से करो, जो कर्म आपके सामने ईश्वर ने भेजा उसको पूरी वफादारी से निभा, उसके बाद ईश्वर अर्पण करो, ये फल अर्पण करो। आप सोचते हो बाहर के फ्रूट्स देके जान छूट गई, बाहर के फ्रूट तो आप ही को प्रसाद रूप में, जागरण में जितने चढ़ते हैं फल सुबह देखा करो, भोग के बाद लाइन लग जाते हैं, सब झोलियां करते हैं, पंडित जी डालते जाते हैं, एक केला एक सेब डालते जाते, चलो लो प्रसाद, चलो वो तो आप ही को मिल गया वापस, भगवान ने नहीं रखा। भगवान ने क्या रखा, जो पूरी रात सब जागे, किस भावना से जागे भगवान ने वो भावना का भोग लगाया, भगवान भावना का ही भोग लगाते, कीर्तन वीर्तन में देखा जब भोग लगाते आगे वो चुन्नी पकड़ के खड़ी हो जाती है, दो माई भोग ला ले ठाकर वो थाली ज्यों की त्यों पड़ी है, फिर उसी को प्रसाद मान के बांट दिया। क्या लिया भगवान ने, जो हम दो घंटा बैठे तीन घंटा बैठे कीर्तन किया, भगवान ने हमारा भाव स्वीकार कर लिया, भाव पहुंच गया परमात्मा, कौन किस भावना से आके बैठा हुआ है, जाकी रही मन भावना जैसे,
प्रभु मूरत देखी दिल तैसी। जैसी भावना रखी किसी ने उसको वैसा दर्शन होने लगे, भगवान उसको वैसे मिलने लगे, भगवान उसको वैसे दिखने लगे, जो भावना जिसने रख ली। रावण ने भावना ही ऐसी करी, उसको राम जी दुश्मन दिखते हैं। आपकी भावना ऐसी, आपको भगवान दिखते हैं। हनुमान जी को भगवान दिखते हैं, वही राम है, वही रूप। रावण को दुश्मन, इतने बड़े दुश्मन लग रहे हैं। भावना है ना, भावना दिखाते हैं। तो अगर हम फल अर्पण कर दें, ये परमात्मा को सबसे ज्यादा प्यार है। ये व्यक्ति कर्म करता है, फल की चाहना नहीं करता। ये कर्म करता है लेकिन पलट के मेरे से मांगता नहीं है कुछ। कर्म की खातिर कर्म करना, प्रेम के खातिर प्रेम करना, भक्ति के खातिर भक्ति करना, इसमें किसी में भी फल की इच्छा नहीं होनी चाहिए। कर्म में फल की इच्छा आ जाएगी, शायद आपको कर्म में विक्षेपता भी आ जाएगी और कभी कभी आप कर्म का भी त्याग करोगे, इतना नुकसान हो जाता है। प्रेम में इच्छा आ जाएगी, आप प्रेम का स्वभाव नहीं बना पाओगे, आपका प्रेम द्वेष में बदलने लगेगा। भक्ति में इच्छा रख बैठे फल की, तो कभी भी आप ईश्वर से प्रेम नहीं जोड़ पाओगे, मीरा वाले भाव नहीं बना पाओगे, तो आपका स्वादा चलेगा। और भक्त सच्चा हो तो क्या कहता है, मैं अगर मांगू तो मांगू, तुम ना कुछ देना मुझे, वरना फिर प्रेमी नहीं मजदूर हो जाऊंगा। भगवान मैं कुछ मांग भी लू, तुम ना कुछ देना मुझे, फिर मैं तो तेरा प्रेमी होना चाहता हूं, मजदूर होने थोड़ी आया हूं तेरे द्वार पे, भिखारी होके थोड़ी आया हूं कि बस मैं ये कर्म करता हूं तुम मेरे को फल दो, तुम ये इच्छा पूरी करो। क्यों, जब बिना मांगे मिल रहा है, गर्भ में मांगा था, पहुंचाया ना परमात्मा ने सर। आज भी जितना कुछ है सारा इच्छा से नहीं है, ईश्वर की अनुकंपा से। आप महसूस करो, अपने माँ बाप को देखो, अपने भाई बहनों को देखो, आप लाखों से अच्छे हो के नहीं। इर्द गिर्द देखो, अपनी सहेलियों को देखो, कृपा है ना परमात्मा। फिर जब बिना कहे मिल रहा है, क्या मांगने की जरूरत है, इच्छा रखने की? आपके अपने बच्चे जो इच्छा से मांगते हैं, तंग करते हैं, उनके लिए करने का मन करता है? पर जो नहीं मांगता, जहां चले जाओ पहले ध्यान जाता है उसके लिए कुछ ले लो। आप भी जब फल की इच्छा नहीं रखोगे, ईश्वर आपके लिए सोचेगा। पर आप ही इच्छा रखे रखोगे, ईश्वर क्या सोचे फिर आपके लिए, ईश्वर क्या विचार करे आपके लिए? आप तो खुद इच्छा के अधीन। शुक्राना करो, प्रे नॉट रादर प्रेज करो, थैंक्स करो, परमात्मा तुमने पहले ही बहुत दिया। सी उठाने के काबिल में तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं। पहले इतना क्या मांगा, और मैं मांगूंगा तो गलत ही मांगूंगा, क्या पता ईश्वर ने मेरे लिए क्या अच्छा सोचा। एक जगह कथा की पंडित जी ने, तो एक स्त्री को उठाया प्रसाद बांटो, लड्डू आए हुए थे बहुत बढ़िया प्रसाद के लिए, वो उठी सारी संगत को प्रसाद देने लगे। पंडित जी को लगा सबको बांटती जा रही, मुझे नहीं दी। पंडित जी ने बुलाया, मेरे को भी देव दे गई एक लड्डू जैसे सबको दे रही थी, बाकी जो बच गए ले जाने लगी अपने घर। कहती है पंडित जी, वैसे मेरे मन में ये था जितने लड्डू बच जाएंगे सारे दे जाऊंगी, पर आपने तो धीरज ही ना किया, फटाफट हाथ आगे कर लिए, अब आपने अपना प्रसाद ले लिया, बाकी मैंने जा रही। यही होता है जब हम लोग हाथ आगे कर लेते हैं ना, भगवान पता नहीं क्या देने वाला होता है,
लेकिन फिर वो कहता है जब अगला इसी में संतुष्ट है मेरा की। अच्छा अपने घर देखना, कोई कोई बच्चा होता है मम्मी 20 रुपए देना, मम्मी 100 रुपए देना, कोई कोई बच्चा कहता है मम्मी पैसे नहीं है दे दो जा रहा हूं मैं बाहर। 20 वाले को आपने कभी 30 ना पकड़ा, 100 वाले को कभी 150 नहीं पकड़ा। जिसने माइंड दिमाग नहीं रखा ना अपना, कोई डिमांड नहीं रखी, आप क्या करते हो जा रहे रख ले, वो कहेगा मम्मी इतने रख ले वापस आ जाएंगे ले जाएंगे। ये तो बड़ा प्रैक्टिकल एग्जांपल है हमारे घरों रोज का काम है। जो बच्चा जितनी डिमांड रख देता है उससे ऊपर आप नहीं देते, कोई डिमांड ना करे तो ये फर्क हो जाता है। कहीं कहीं देखो जाओ ना सत्संग रखो कुछ रखो, कहीं तो चार्जेस फिक्स होते हैं, अब कहीं कोई बताता ही नहीं है, नहीं जी नहीं बस आपने सत्संग किया वही बहुत। तो हम लोग अपने आप ही एस्टीमेट लगा के ज्यादा ही कराते हैं कि भाई ऐसा ना हो कि अगले का मन चले या कुछ। करते होंगे आप लोग भी करते होंगे, आपसे ना मांगे कीर्तन कराओ जागरण कराओ आजकल फिक्स कर दिया उन्होंने, पर सपोज किसी का फिक्स ना हो निष्काम मंडली नहीं जी नहीं हमारी मांग नहीं है, पर आप अंदाजा लगा लेते हो चारों ने इतने घंटे गाया बाजे वाला आया ढोलक वाला आया कर दो उनके लिए ज्यादा करने का मन करता है जो मांगता नहीं। कोई काम वाली बाई आपकी लालची ना हो करने का मन करता है कि नहीं, उसके लिए अपने आप ही उसको दिवाली पे साड़ी दे दोगे ये दे दोगे, नहीं बेचारी कभी नहीं मांग। और जो रोज खड़ी हो जाए उसके लिए कोई कह भी दे काहे की साड़ी आए दिन मांग मांग के ले जाती है, कोई नहीं फर्क पड़ता, इसको जितना दे दो फिर वो बनाएगी फिर वो फाड़े और छोड़ दो उसको, आपका बनाएंगे ही हाथ। मांगने वाले को आप नहीं देते, नहीं मांगने वाले के लिए आपका मन करता है। समझ लो ईश्वर से आप फल मांगोगे लिमिटेड, आप मांगोगे सोच के क्या पता उसकी क्या मौज आ जाए क्या दे दे, यही तो महापुरुषों की मौज होती। कोई बुलाते आना आना आए तो पता नहीं कितनी देर बैठे, और कोई कहेगा खाली आप पांव घुमा के चले जाना अच्छा 2 मिनट के लिए, तो दिमाग में रहते इसमें कहा ही 2 मिनट था 5 हो गए उठो चक्कर है ना, ये चक्कर है। इसीलिए ईश्वर अर्पण छोड़ने में आपका सांसारिक तरीके से भी बहलाइए, चलो ज्ञान तो क्या ही कह रहा है सांसारिक तरीके से भी बहलाइए उस पे छोड़ दो, क्या पता हो तुम्हारी सोच से भी कितना ज्यादा देना चाहता हो अच्छा देना चाहता हो। और फिर ईश्वर की एक बड़ाई और है, वो नहीं देता जो हम चाहते हैं, वो देता है जिसमें हमारी भलाई होती है। ये भी तो एक बड़ी बात है ना, इस बात को समझो। चौथा आया तोयम, तोयम बोलते हैं जल को। अब आप सोचते हो म्युनिसिपैलिटी के नल से लोटा भर लो शिव जी पे चढ़ा दो पूजा में रख लो हमने जल चढ़ा दिया, नहीं। ईश्वर को जल कौन सा पहुंचता है जो उसके प्रेम में हमारी आंख से आंसू आते हैं, कभी हमारा मन भीग जाता है, कभी हम ऐसे व्याकुल हो जाते हैं व्यथित हो जाते हैं उसके प्रेम में, वो जो प्रेम में आंसू आते हैं ना वो जल है। एक भक्त पहुंचा भगवान तक, भगवान ने बोला क्या साधन किया मुझ तक, कहता है साधन से तूने किसको है तारा, दुनिया साधन कर रही है तूने कहां तारा किसी को साधन से। भगवान ने बोला फिर कैसे आया, कहता है दृग बिंदु का है सहारा, जब आंखों में आंसू आए ना वो तेरे करीब ले आए, प्रेम उमड़ा ना हृदय में उससे आंखें भीगी तेरे नजदीक आ गया, दृग बिंदु का है सहारा। बाहर की लोटी तो बाल्टी चढ़ा दो, कई लोगों को देखो शिवलिंग में बाल्टी भर के चढ़ाया जाता है, उसमें क्या पानी की बाल्टी भर लो आधी कटोरी दूध मिला दो, शिव जी सोचेंगे आज तो भगत दूध से नहला रहा, कहीं ना सोचेंगे उनको सब पता चलता है, हमको कोई दूध में पानी डाल के दे पीते हमको पता नहीं लगेगा, शिव जी को क्यों ना चलेगा, सोच रहे हैं शायद मैं बड़ा काम करे आया। भगवान को
चाहिए ही नहीं, उनके तो अपने सिर में जटा है। देखो तो गंगा बह रही, वो हमारे पानी का क्या करेंगे? ये तो मिसाल दिए थे, हकीकत में तो ईश्वर तक हमारा प्रेम पहुंचेगा। जब हमारी आंखें भीगेंगी, प्रेमा भक्ति होगी, वो ईश्वर को छुएगी, वो ईश्वर तक पहुंचेगी, वो ईश्वर को रिझाएगी, वो ईश्वर को निहाल कर। आज आपको कोई बाहर के गिफ्ट्स दे, आप उससे रिझते, पर अचानक किसी को प्रेम आ जाए, आपके लिए आंसू आ जाए, आपको कितना प्यार आता है उसके ऊपर। किसी के घर से निकलने पर वो मासी चाची के लिफाफे मिलते थे, नहीं नहीं बच्चे लेके जाओ लेके। और कोई कोई ऐसा होता था जो गले लगा के भीग ही जाता था, अरे तुम रहे, बड़ा अच्छा लगा, और रहते। फिर दिल करता था इसके घर दोबारा जाए, दिल से प्यार करता था। पैसे वाले का क्या करना, ईश्वर को हमारी चीजों का क्या करना? और पैसों का तो इतनी अकल हमें भी होती थी, हमारे माँ बाप इनके बच्चों को देते हैं, ये हमें दे देते, पता होता था। ये तो फॉर्मेलिटी है बाहर की, क्योंकि हमारे घर भी होता था, उनके बच्चे आते थे ले ले, कहते थे नहीं नहीं, हमको पता होता था कि इनके बच्चों को इतने दे रहे, हमें नहीं दे रहे, घर में नहीं दे रहे, इनके बच्चों को देते, तो उनके घर में हमें मिलता था। व्यवहार नहीं, हृदय तक पहुंचता है प्यार। ईश्वर के हृदय तक क्या पहुंचेगा? प्यार। तो व्यापार ना बनाओ अपनी भक्ति, यही व्यापार बना के फल की इच्छा करके आप अशांत हो, दुखी हो, व्यापार मत बनाओ, प्रेम में मस्त हो जाओ। और प्रेम में गिनती नहीं होती, मैंने क्या किया, अगले ने क्या किया। आज आपका अपने घर में प्यार है, आपने बच्चे को साल में 4 ड्रेस ले दी, आपके बर्थडे पे अगर बच्चे मिलके 1 ड्रेस ले आए, आप उस एक से भी खुश होते हो, गिनते हो, ले तो तुमने 4 नहीं लाए, एक प्यार सौदा नहीं है, व्यापार नहीं, पर आप खुश होते। भगवान का भगत जो ईश्वर की तरफ से आता है उसमें प्रसन्न रहता है, कभी मांग नहीं होता। तो फल की इच्छा अशांत करेगी, पर ईश्वर अर्पण कर्म कर दोगे आपको आनंद हो जाएगा। ठीक है।